प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं बालासोर हादसे पर। देखिए आप साफ तौर पर तस्वीरें, और पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से संवेदना जताई गई है और पीएमओ ऑफिस की ओर से एक्सग्रेशिया यानी कि जो कंपनसेशन होता है वो भी दिया गया है। आप गृहमंत्री अमित शाह को भी देख रहे होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपको बता दें कि बालासोर जाने का कार्यक्रम भी है, और तस्वीरों में अगर आप देखें तो डीजी एनडीआरएफ की भी मौजूदगी आप देख पा रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश यही होगी कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पूरा करवाया जाए, जो संभव मदद हो सके वो पहुंचाई जाए, और साथ साथ उच्च स्तरीय जांच इस बात को लेकर भी कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। तो सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जो बैठक इस वक्त चल रही है उच्च स्तरीय बहस से। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बताया जा रहा है कि दोपहर 2:30 बजे के करीब घटनास्थल पर भी पहुंचेंगे, लेकिन अभी उसके पहले मां के हालात क्या हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन में आगे दिक्कत क्या क्या आ सकती है और इस किस ढंग से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जाए, ये सारी जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह भी यहां साथ में मौजूद है। पहले यह जानकारी लेना, निर्देश देना और फिर उसके बाद घटनास्थल पर खुद पहुंचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसके लिए कहा जा रहा है कि दोपहर 2:30 बजे तक पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री बालासोर। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर, जिसमें आप पीएम मोदी को देख सकते हैं, गृहमंत्री अमित शाह हैं, इसके अलावा एनडीआरएफ के डीजी भी इस बैठक में मौजूद हैं, और ये काफी अहम हो जाती है क्योंकि पल पल की जानकारी तो पीएम मोदी ले रहे थे, लेकिन देखिए अब उनको ये जो स्क्रीन लगाई गई है उसके जरिए पूरी डिटेल जानकारी उन तक पहुंचाई जा रही है कि क्या क्या कदम यहां पर उठाए जा रहे हैं, चाहे रेलवे की तरफ से हो, चाहे राज्य सरकार की तरफ से हो, और केंद्र ने जो मदद वहां पर पहुंचाई है क्योंकि एनडीआरएफ की पहले से ही 9 टीमें घटनास्थल पर मौजूद है, और जैसा कि एनडीआरएफ के डीजी ने जानकारी दी थी कि जब घटना होती है उसके 1.25 घंटे के बाद ही पहली टीम वहां पर पहुंच जाती है। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त टीमें भी वहां पर तैनात की गई हैं ताकि अगर जरूरत पड़ती है तो फिर उनको वहां पर भेजा जाए, लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन है जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी को जानकारी दी जा रही है कि शाम तक पूरा कर लिया जाएगा, और 1 बजे पीएम मोदी 2:30 बजे पहुंचेंगे ये जानकारी मिल रही है, क्योंकि बालासोर जाएंगे पीएम मोदी दोपहर 2:30 बजे, भुवनेश्वर पहुंचेंगे पीएम मोदी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और भुवनेश्वर से सीधे वो घटनास्थल पर जाएंगे। तो अभी बैठक कर रहे हैं पीएम मोदी, और कल शाम को हमने उनका ट्वीट भी देखा था, ये बैठक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जिसमें वो पूरी तफसील से जानकारी ले रहे हैं कि क्या क्या कदम उठाए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से और क्या क्या जरूरत हो सकती है जो वो मदद पहुंचा सकते हैं, और 2:30 बजे वो पहुंचेंगे भुवनेश्वर, उसके बाद सीधे घटनास्थल पर जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर 2:30 बजे पहुंचेंगे और उसके बाद सीधा बालासोर का रुख करेंगे जहां पर ये घटना हुई है, हादसे वाली जगह पर पहुंचेंगे, और उसके बाद वो जो घटना में पीड़ित लोग हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये उच्च स्तरीय बैठक की है जहां पर एक प्रोटोटाइप के जरिए आप देखिए किस तरीके से खाका तैयार किया गया, एक नक्शा बनाया गया है कि कौन कौन सी रेल लाइंस वहां से गुजर रही हैं और किस तरीके से हादसा हुआ है, कितने डब्बे गए हैं और क्या कुछ हादसे के वक्त सिचुएशन रही होगी, ये तमाम जो बातें हैं उसका जायजा तो ले ही रहे हैं। लेकिन साथ साथ आपको यही बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 2:30 बजे भुवनेश्वर पहुंचेंगे और भुवनेश्वर के बाद सीधा वो बालासोर घटना वाली जगह पर पहुंचेंगे, और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे, हमारे सहयोगी जनक भी जुड़ गए हैं। जनक, अब तो समय भी आ गया है पीएम मोदी के भुवनेश्वर पहुंचने का। बिल्कुल, देखिए अब थोड़ी देर में, चूंकि मीटिंग जैसे सुबह ही अचानक पीएम ने आपात बैठक भी बुलाई, चूंकि हताहत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और रेस्क्यू रिलीफ सबसे इंपॉर्टेंट था, और इसी के चलते हालांकि कल से ही जो रेल मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी लगातार संपर्क में, अच्छा प्रधानमंत्री को मिनट टू मिनट अपडेट दिया जा रहा था, खुद रेल मंत्री को वहां पर पहुंचाया गया, और आज जो मीटिंग के बाद जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक पीएम खुद अब उस जगह पर घटना पर जाएंगे। तो जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक भुवनेश्वर जाएंगे, उसके बाद बालासोर, और उसके बाद जो मरीज जिनको कटक अस्पताल में एडमिट किया है वहां पर भी हो जाएंगे। तो कुल मिला के कहेंगे प्रधानमंत्री कार्यालय लगातार निगरानी रखा था, खुद पीएम इस पूरे पल पल की अपडेट पर नजर रखे हुए थे, रेस्क्यू रिलीफ किस तरीके से बढ़ रहा है, उसके अलावा स्वास्थ्य चिकित्साओं में कोई कमी ना रह जाए, उसके साथ साथ जो एनडीआरएफ की टीमें हैं रेस्क्यू रिलीफ में वो भी समय पर पहुंच जाए। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का एक एफर्ट कहें वो इसी बड़ी आपदा की स्थिति में वहां पर देखिए खासतौर पर, और प्रधानमंत्री जब खुद निगरानी रखते हैं तो जो सिस्टम होता है वो प्रोसेस जो होता है वो काफी तेज, उसमें तेजी दिखती है और फास्ट भी इसका रिजल्ट भी दिखता है। तो इसी के चलते हताहत का आंकड़ा खासतौर पर कम किया, जिन तस्वीरों में भी देखें वहां पर जो वीसी के जरिए जो अधिकारी वहां पर मिले, वहां पर जैसे पीके मिश्रा भी आप देख सकते हैं, साथ में गृहमंत्री हैं अमित शाह, वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे, और एनडीआरएफ के
अतुल करवाल जो डीजी हैं वो भी वहां पर अधिकारी के तौर पे मौजूद थे। तो उन पल पल की नजरें और खास तौर पर जो वहां पे अपडेट हैं वो ट्रेन हादसे को लेकर जितनी भी अपडेट्स हैं वो प्रधानमंत्री ने खुद ने ली और खुद अब यहां से दिल्ली से रवाना होते भुवनेश्वर जाएंगे और भुवनेश्वर के बाद सीधा बालासोर जहाँ पर जो हादसा हुआ है उस दुर्घटना जगह पर और उसके बाद जो कटक में जहाँ पर मरीजों को अस्पताल में रखा गया है वहाँ पर भी प्रधानमंत्री मुलाकात लेंगे। जनक जो बैठक चल रही है इसमें जाहिर सी बात है रेस्क्यू कैसे किया जा रहा है क्या क्या वहाँ अभी चल रहा है ये तो जरूर जाना जा रहा होगा, लेकिन जनक बड़ी बात ये भी है कि टीम तो एक्सपर्ट वहाँ पर पहुंच चुकी है लेकिन रेस्क्यू के लिए जरूरी उपकरण पहुंच पाना भी ये शायद एक बड़ी समस्या हो रही है, क्योंकि इसके पहले भी हमारे सहयोगी बता रहे थे क्योंकि ये अप और डाउन दोनों ही जो रूट है वो बाधित इस वक्त है। तो एक बड़ी समस्या ये भी आ रही है कि एक्सपर्ट तो पहुंच चुके हैं रेस्क्यू हो रहा है लेकिन जरूरी उपकरण और राहत सामग्री कैसे पहुंचे। बिल्कुल जो आपात स्थिति में चाहिए क्योंकि पीएम खुद निगरानी रखे हुए रेल मंत्रालय वहां पर पूरी तरह से मौजूद, रेल मंत्री खुद वहां पर मौके हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री वहां पर मौके पर पहुंचे और आज अगर आप प्रधानमंत्री कार्यालय और खासतौर पर प्रधानमंत्री ने जो मुलाकात की जो मीटिंग बुलाई उसमें अगर आप देखें तो बाकायदा एक प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है प्रधानमंत्री के। प्रधानमंत्री वो हर सारी चीजें जानना चाहते थे कि दरअसल चूक कहां पर रह गई या किस तरीके से घटना हुई, तो वहां पर एक महिला अधिकारी है जो बाकायदा उनको पीएम को ब्रीफ भी किया कि अप और डाउन ट्रेन का जो ट्रैक है वहां पर स्थिति को समझाते हुए कि ये वहां पर हो सकता है, लेकिन ये प्रिलिमिनरी जानकारी है चुकी इसके बाद पूरी कमेटी जो जांच करेगी और उसके बाद कहां पर चूक रहेगी वो जानकारी आएगी, लेकिन पीएम हर चीजों पर निगरानी रखे हैं हर चीजों को, चाहे रेस्क्यू रिलीफ की बात हो तो एनडीआरएफ ने क्या कुछ किया, हेल्थ मंत्रालय की मिनिस्ट्री की ओर से वहां पर किस तरीके से मदद पहुंचाई गई, गृह मंत्रालय की ओर से अमित शाह कुछ वहां पर। देखिए ये दो तस्वीरें हैं, पहली प्रेजेंटेशन जो बताई जा रही है जिसमें हम आपको दूसरी तस्वीर बता रहे हैं कि एक मेन लाइन और लूप लाइन, लूप लाइन में जो कि मालगाड़ी थी मेन लाइन में यहां पर दूसरी ट्रेन थी और मेन लाइन से जो पटरियों में जो ट्रेन की बोगियां होती हैं वो डिरेल होती है उसके बाद दोनों लाइन में जाकर के वो चली जाती हैं जिस वजह से इतना बड़ा हादसा होता है और 288 लोगों की जान चली जाती है। यही इस मीटिंग में समझाया जा रहा है, यही कंसोल पीएम मोदी को दिखाया जा रहा है जिसमें एनडीआरएफ के डीजी को आप देख सकते हैं, गृहमंत्री अमित शाह भी हैं और पूरी डिटेल जानकारी यहां पर लेते हुए क्योंकि इसके जरिए ही ये बताया जा रहा है कि आखिर इतना बड़ा हादसा हो कैसे गया और इसमें 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। ऐसे में जो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है तो बालासोर रेलवे स्टेशन पर एक कंसोल है जिसकी मदद से ट्रेनों को पास दिया जाता है। हमारे पास बालासोर स्टेशन कंसोल की उस वक्त की रिकॉर्डिंग है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं और उच्च स्तरीय बैठक में ये जो दूसरी तरफ आप दूसरे विंडो में कंसोल देख रहे हैं इसी कंसोल के जरिए उन्हें बताने की कोशिश हो रही है कि किस तरीके से मेन लाइन और लूप लाइन में ट्रेनें खड़ी थी और उसके बाद जब ये हादसा होता है तो दोनों ही तरफ डिब्बे चले जाते हैं। ये वही कंसोल है जब ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है, वही दिखा रहे हैं हम आपको और इसी कंसोल के जरिए ये जो महिला अधिकारी हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत जो तमाम वहां पर डिग्निटरीज बैठे हुए हैं उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं जिसे पीएम मोदी अभी देख रहे हैं। इसमें साफ नजर आ रहा है कि स्टेशन पर चार लाइन मौजूद है जहां दो लूप लाइन है और दो मेन लाइन भी है। मेन लाइन में वो होती है दरअसल जिससे कि ट्रेन तेजी के साथ गुजर जाती है, लेकिन आपको बिग वॉल के जरिए दरअसल हम समझाने की कोशिश करेंगे पूरी तरीके से कि कैसे ये ट्रेन हादसा हुआ है। लूप लाइन और मेन लाइन में जब ट्रेन टकराती है तो कैसे दोनों ही तरफ जो डब्बे हैं पटरी से अलग होकर चले जाते हैं। ये यहां पर आप समझ सकते हैं कि चार लाइन है, इसमें मेन लाइन आपको एक और दो दिखाई दे रही है, लूप लाइन आपको दो दिखाई दे रही है, ऊपर ये पहली और नीचे ये दूसरी। अब हुआ क्या, मेन लाइन से ट्रेन गुजर रही थी वो डीरेल हो जाती है और लूप लाइन में खड़ी होती है यहां पर मालगाड़ी जिसके ऊपर एक डब्बा जाता है और वही दूसरी तरफ जो दूसरी ट्रेन आ रही थी उसके ऊपर डब्बा चला जाता है। तो ये वही कंसोल है घटना स्थल वाली जगह जो हादसा हुआ और यही तस्वीरें दरअसल अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाई जा रही है, समझाया जा रहा है कि कैसे ये ट्रेन हादसा हुआ उस वक्त वो उन्हें बताया जा रहा है। अब देखिए लूप लाइन वो होती है जहां पर ट्रेन को रोक करके रखा जाता है और यही वजह रही कि इस लूप लाइन के ऊपर मालगाड़ी खड़ी दिखाई दे रही थी, इसलिए रोक करके रखा जाता है ताकि मेन लाइन पर ट्रेन आती जाती रहे, बाधित रूट हो ना पाए और उस वक्त यही स्थिति वहां पर थी। जसप्रीत बिल्कुल, तो यहाँ पर जो शालिनी बता रही थी देखिए कि एक होती है मेन लाइन और लूप लाइन और जिसमें हम ये आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर
ताकि जो मेन लाइन में आवाजाही बाधित ना हो, इसीलिए लूप लाइन में रोक करके रखा जाता है। और ये वो कंसोल है जो जिसको पीएम मोदी को भी दिखाया जा रहा है, इसके जरिए बताने की कोशिश की जा रही है कि कैसे करके यहाँ पर होता है, क्योंकि ये इतना बड़ा हादसा, जो कि रेलवे के एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा कैसे हो जाता है जिसमें तीन रेलगाड़ियां जो कि टकराती हैं। और ये देखिए, ये जो पहली विंडो में ये आप देख सकते हैं, क्योंकि हाई लेवल मीटिंग इस वक्त चल रही है जिसमें पीएम मोदी है, अमित शाह है, और ये कंसोल आप देख सकते हैं, ये वही कंसोल है जो न्यूज 18 इंडिया पर ये दूसरी तस्वीर, सबसे बड़ी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी के जरिए, क्योंकि अभी वो घटनास्थल पर भी जाने वाले हैं, ऐसे में अब जो स्थिति है, क्योंकि यहां पर मेन लाइन में, अगर आप समझिए कि मेन लाइन में ट्रेनों की आवाजाही नहीं हो पा रही है, ये बाधित है, तो फिर जो बाकी ट्रेन हैं वो भी फंसी हुई हैं, यातायात सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो इसको कैसे क्लियर किया जाएगा, पूरे रूट को कैसे क्लियर करना है, और केंद्र सरकार क्या क्या मदद कर सकती है, ये सब जानकारी दी जा रही है। लेकिन लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए मेन लाइन का सिग्नल ग्रीन होता है और तब ये लाइन येलो हो जाती है, यानी कि ये मेन लाइन ट्रेन गुजरने के लिए सुरक्षित है। दोनों मेन लाइन एक के बाद एक येलो होती हैं और फिर रेड हो जाती है, यानी कि दोनों मेन लाइन पर एक साथ ट्रेनें गुजर रही हैं।